स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि जो पिछले वीडियोस थे उनका भी लिंक और जो नेक्स्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, क्या दिया हुआ हमें। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अदर, यानी कि अदर टू एंगल्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक एंगल है ना हमारे ट्रायंगल का, वो क्या है, इक्वल है जो दो एंगल बच गए हैं उनके सम का, यानी कि दो एंगल जो बचे हुए उनको अगर हम प्लस करें तो हमें पहला वाला जो एंगल था उसके बराबर हमको वैल्यू पता चल जाएगा। ये हमसे यहां पर कहा जा रहा है, यानी कि नॉर्मल से इसको मैं एक आगे एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊं तो मान लो एक जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो जो बच जा रहे हैं ना वो कितने कितने के होंगे, 45 और 45 के होंगे। तब ना फिर 45 और 45 मिल गया, कितना होगा, दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो वही चीज हमको कह रहा है यहां पर कि एक जितना भी है तो जो बचे हुए हैं वो दोनों बराबर में, यानी उनको प्लस करके उसके इक्वल में आता है फर्स्ट वाला एंगल। आगे हमसे बोल रहा है सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल, तो वही हमसे यहां पर कह रहा है कि बताइए कि जो ट्रायंगल है ना वो कितना है, वो एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। यही एग्जांपल इसी तो मैंने लिया आपके लिए कि जो एक हमको पता ही क्या है कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें हमेशा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता ही होता है, तभी उसका नाम क्या पड़ता है, राइट ट्रायंगल पड़ता है। अगर 91 भी हो जाए ना तो वो राइट ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर 90 से कम हो जा रहा है तो भी वो राइट नहीं कहलाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। यहाँ पर हिंट हमें दिया हुआ है लेकिन इससे आप थोड़ा शायद नहीं समझ पाओगे, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। आइए कॉपी में चलते हैं। देखो यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो एक एंगल है, यानी कि हम कोई भी तीनों एंगल को नाम दे सकते हो, आप हमेशा की तरह यहाँ पर लिख सकते हो कि लेट द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आप नाम दे देना। उसके बाद अब हम आते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो एक एंगल है, मान लो एंगल नंबर जो ए है वो क्या है, एंगल नंबर बी और एंगल नंबर सी को प्लस करने के बाद उनका सम है। यानी कि एंगल ए को अगर हम निकालना चाहें तो एंगल बी और सी को प्लस कर देंगे तो हमें एंगल ए पता चल जाएगा। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है, हम जो फॉर्मूला जानते हैं वी नो, क्या फॉर्मूला जानते हैं जल्दी बताइए। वी नो लिखने के बाद मैं क्या लिखता हूँ हमेशा, एंगल ए प्लस एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर जो सी है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हमको पता है कि तीनों एंगल को प्लस करो तो 180 डिग्री आता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो एंगल ए के जगह में हमारे क्या से, हम एंगल ए का कितना का इक्वल है, वो है एंगल बी प्लस एंगल सी के। यानी कि एंगल ए के जगह में हम एंगल बी प्लस एंगल सी भी लिख सकते हैं और एंगल बी और एंगल सी के जगह में हम एंगल ए भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बदले में या तो एंगल ए लिखो या तो एंगल ए के जगह में इन दोनों को लिखो। तो हमको क्या बताना है यहाँ पर कि टू एंगल के प्लस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ए के जगह में इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी, ये किसका बदला मैंने लिखा है, एंगल ए के बदला लिखा है। उसके बाद फिर से दोबारा वही चीज़ है, एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ना, कुछ नहीं किया मैंने, केवल एंगल ए के जगह में हमने एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा है क्योंकि यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ओके, अब इनको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बी और बी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा टू एंगल बी, इसके बाद फिर प्लस का साइन लगाओ, सी और सी दो है तो टू एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, दोनों को कॉमन कर लेते हैं, टू को ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा छोटा लिखना, यानी कि अगर हमने इस तरीके से लिख लिया है तो टू का जब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तब क्या होगा, टू का मल्टीप्लाई होगा एंगल नंबर बी से तो वो बन जाएगा टू एंगल बी, और उसी बात टू का फिर मल्टीप्लाई होगा एंगल नंबर सी से भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर रहता है और बाहर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो दोनों से उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई सी से होकर के ये बन जाएगा टू एंगल सी। यानी कि बस इसी चीज को इस तरीके से एक क्या बोलते हैं नया चेहरा देकर के लिखा जाता है, ये समझ लो आप यहां पर। अब क्या करना है हमको, यहां से एंगल बी और सी का वैल्यू पता करना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 पहले से इधर है, ये टू इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये टू डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी देखो हमारा कितना निकल गया यहां से, 90 डिग्री निकल गया, क्योंकि 2 1 2 2 9 जो हमारा कितना होता है 18 होता है, यानी कि 90 डिग्री निकल गया हमारा एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी। तो हमारा एंगल बी और सी का कितना निकल गया, 90 निकल गया है, तो जाहिर सी बात है एंगल नंबर जो ए भी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 और 90 मिलाकर के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि ये जो हमारा एंगल है, यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कितने का है, वो एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि उसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का हमें यहां पर से मिल गया। और हमको पता है कि कब कहलाता है एक राइट ट्रायंगल, जब उसका एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी उसमें एंगल 3A ठीक है इक्वल टू 4B, 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, कैलकुलेट द एंगल, यानी कि हमें कुछ मेजरमेंट दे दिए गए एंगल्स के, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक एग्जांपल भी था,
अगर आपने एग्जाम्पल से समझ करके खुद से सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया जाए। इस तरीके से हमें दिया हुआ इक्वेशन बना करके अब हमको इसमें से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट पता करना है। तो देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो इक्वल टू मान लो एक्स, कि हमें इक्वल टू मान लेते हैं एक्स है, इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास निकलता है एक्स डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल ए का मेजरमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि एंगल ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो इन तीनों के इक्वल में एक्स है, यानी कि एंगल ए, जब हम एंगल ए का केवल वैल्यू निकालेंगे तो एक्स पहले से है राइट साइड में, ये जो 3 है इसके साइड जाकर के क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड में। उसी तरीके से जो हमारा एंगल नंबर बी निकलेगा यहां से तो वो भी इक्वल है एक्स के, तो एंगल नंबर बी इक्वल टू एक्स पहले से रहेगा, ये जो 4 है अभी यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये भी डिवाइड में हो जाएगा। और जो एंगल नंबर हमारे पास सी निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, एक्स पहले से है और ये जो 6 है वो आकर के यहां पर डिवाइड में हो जाएगा, यानी एंगल ए बी और सी का हमें यहां से क्या हो गया, एक्स मानने की वजह से हमें यहां पर इसका मेजरमेंट पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां हमको पता क्या है कि हमको जानते हैं, यहां पर आप लिख भी सकते हो, यही फॉर्मूला जो मैंने लिखा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस अब क्या करो, यहां एंगल ए बी सी की जगह में इनका वैल्यू जो हमने निकाली एक्स मान करके निकाला है ना उसको पुट कर दो, एंगल ए की जगह में एक्स बाई 3 प्लस एंगल बी की जगह में एक्स बाई 4 और एंगल सी की जगह में एक्स बाई 6 और इक्वल क्यू साइड लिख लो 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए हमारा। अब इसी इक्वेशन से हमें एक्स का वैल्यू पता करना है ताकि हमें एंगल ए बी और सी का वैल्यू पता चल सके। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, देखो ये हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है और इसको हमको जानते हैं हम कि फ्रैक्शन को जब इस तरीके से ऐड करना पड़ता है तब नीचे एलसीएम लेना पड़ता है। तो 6 और 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो और वो सबसे छोटा नंबर हो। तो 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में 12 आता है, वो छोटा से छोटा नंबर यानी कौन सा है, 12 है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता यहाँ पर डायरेक्ट वाला तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो, जो मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज चैप्टर 2 या 3 में सिखाया था, ये वाले मेथड से एलसीएम आप निकाल सकते हो। 2 के टेबल में ये 3 आता नहीं है तो छोड़ दोगे, उसके बाद फिर ये हमारे पास 4 है तो यहाँ पर हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको पहले सिखा दिया है, उसी मेथड से आप क्या करना है, एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लेना। तो हमारा डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम नंबर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो नीचे 3 4 और 6 के बदले में हम 12 लिखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी एलसीएम आया है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करो और जितना भी आंसर है यानी कि जो भी क्वेश्चन है हमारा उसका क्या करो, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 को 3 से डिवाइड देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो 4 का x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा हमारा 4x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो। 12 को 4 से डिवाइड दो तो 3 आ जाएगा, 3 का ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाओ, 12 को 6 से डिवाइड दे दो तो 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अब इस 12 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, हमको यहाँ से x का वैल्यू पता करना है, इन सभी को पहले ऐड कर लो। तो 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9x, इक्वल के उस साइड में हमारा 180 डिग्री पहले से है। ये देखो 12 जो था इधर डिवाइड में था ना, ये इधर जाकर के क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स इक्वल टू इस 9 को भी इधर ट्रांसफर कर दो। 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, आपस में सटे हुए हैं, कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 9 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 9। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे केवल टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारा 9 और 18 देखो आपस में कट होने वाले हैं, तो कट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 1 9, ऊपर में 9 2 18 और ये 0 का 0 उतर गया। तो x इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास, 20 डिग्री मल्टीप्लाई 12। तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 24 आता है और ये 0 का 0, यानी x का वैल्यू हमें पता चल गया 240 डिग्री। अगला स्टेप भी मैं यहीं पर बना देता हूं छोटा सा, आप क्या करना, लाइन से अच्छे से फेयर में बनाना, तो नीचे बना लेना, लेकिन हमको अब कुछ नहीं करना है, केवल हमको अब यहां से एंगल ए का मेजरमेंट पता करना है। तो एंगल ए कितना है हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स बाई 3 है। इसका मतलब कि हमको एक्स के हमें 240 लिखना है, डिवाइड कर देना है 3 से, तो हमको आंसर पता चल जाएगा कि एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो कितना है। तो 3 के टेबल में 3 1 3 हो जाएगा, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम पे आता है, 8 टाइम पे आता है, तो 3 8 जो हो जाएगा हमारा 24 और ये 0 का 0 निकल जाएगा, यानी कि हमारा एंगल ए कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। उसी तरीके से एंगल बी निकाल लो, तो एंगल बी कितना है हमारे पास, एक्स बाई 4 है, तो इसको एक्स बाई 4 लिख लो, फिर एक्स के हमें 240 डिवाइड में 4 कर दो, तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम पे आता है,
सिक्स टाइम पे आता है, तो फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा 24 और ये जीरो का जीरो उतार दो, तो एंगल बी हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। और ये जो हमने डिग्री लगा रहे हैं ना, ये आपको जरूर लगाना है क्योंकि एंगल जो होते हैं हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं। उसके बाद एंगल नंबर सी हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स बाई सिक्स यानी कि 240 डिवाइड बाई सिक्स। तो सिक्स टेबल में 24 कितना टाइम पे आता है, फोर टाइम पे आता है, तो सिक्स में जा सिक्स, सिक्स फोर जो हो जाएगा हमारा 24 और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा, यानी कि एंगल सी नंबर जो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ये तीन एंगल हमको यहाँ से पता चल गए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम छोटे से जगह में सॉल्व किया, आप जब फेयर में करोगे तो डिटेल में अच्छे से लंबा सा सॉल्व करना, ठीक है, जब फेयर कॉपी में एग्जाम में सॉल्व करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं हमारे पास ना, उनको समझा दूंगा। थैंक यू।